ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। अपनों को याद करें, हर गम को बांटें, हर मौत को गिनें। कोरोना काल में कई हमसे दूर हो गए। इस महामारी में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, आंख की आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तबके के लोगों के साथ संक्रमण ने अपने चक्रव्यूह रचा। मौत की इस तांडव ने न जाने कितनों ने अपने माथे का साया खोया, तो किसी ने माथे की सिंदूर। हाहाकार के बीच हमसे बिछड़ गए सभी आत्मा को श्रद्धा सुमन करने के लिए भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने चंदवा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके प्रति 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में आग हो दिल में अगर मिल जाएगा, कष्ट रेखाओं में खोया रास्ता, हो दिल में अगर मिल जाएगा, हस्त रेखाओं में खोया रास्ता। बंद है तो और भी खोजेंगे हम, रास्ते है कम नहीं तादाद में तादाद में, मुट्ठियों की में थकने लगे याद में, मुट्ठियों की शक्ल में थकने लगे, हाथ जो उठते थे कल पर याद में, पहले तो चिंगारियां दिखती थी अब हर तरफ है आग का ही सिलसिला। भाकपा माले के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत कोविड-19 और अन्य संदर्भों में मारे गए लोगों का शोक मनाने का एक अभियान तहत आज भाकपा माले ने जिले के विभिन्न जगहों सहित आरा हाउसिंग कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट की मौन रखते हुए किया गया। उनके याद में मोमबत्ती जलाया गया और पोस्टर प्रदर्शन भी की गई। युवा नीति के कलाकार सूर्य प्रकाश, अमित मेहता, आलोक कुमार द्वारा गीत गाकर श्रद्धांजलि अर्पित भी की गई। इस मौके पर भाकपा माले जिला सचिव जवाहरलाल सिंह ने कहा कि कोविड-19 देश के नागरिकों ने साझा सामना किया, एक दूसरे का हाथ थामा जब सरकार ने हाथ खींच लिया। हमारे लाखों अपने बच नहीं पाए वायरस से, फंगस से, ऑक्सीजन, अस्पताल या दवा के अभाव में, जिन्हें कोविड के अलावा कोई जानलेवा बीमारी थी, उनके लिए अस्पतालों में जगह न होने से उनकी जान चली गई। जलाने दफनाने की जगह कम पड़ गई। गरीबों ने अपने आंसुओं के साथ अपनों को नदी में बहा दिया या नदी किनारे दफन कर दिया। पूरा देश इस साझे दर्द को आज भी झेल रहा है। इस गम को परिवार, समुदाय, धर्म, जाति में बांटना संभव नहीं है। ये गम हम सबका अपना है, इसे साझा करके हम गम को बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तो इस मौत को गिनना मानना नहीं चाहती,
दुनिया न गिन पाए, इसके लिए वे नदी किनारे दफनाई गई लाशों को कफन तक हटवा दे रही है। मौत की गिनती न करके सरकार हमारे प्यारे अपनों को भुला देना चाहती है, पर हम अपनों को भुला नहीं सकते। इनमें न हरे का नाम है जिसे याद रखना जरूरी है, उनके लिए प्यार का जिंदा रखना जरूरी है, और उनके साथ अन्य हादसों हिंसा की घटनाओं में मारे गए लोगों को भी याद रखेंगे हम। जो भाजपा एनडीए के लोग थे कहीं दिखाई दे रहे थे, लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा था, लोग मांग कर रहे थे और तमाम तरह के जितने सरकारी अस्पताल में जो व्यवस्था था वो बिल्कुल माने चरमरा गया था। और इसीलिए हम लोगों का मानना है ये जो लोग मरे हैं, जो तमाम लाखों लोग, इनका सीधा सीधी कहिए कि जो जिम्मेवार हैं वो प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। आज अध्यक्षता कर रहे पार्टी के नगर सचिव कॉमरेड विलास प्रीतम जी, उपस्थित यहाँ पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड जवाहर जी, कॉमरेड राजनाथ जी, कॉमरेड नाथ जी, आयशा के बिहार राज्य सचिव साथी सबीर जी, इनकलाबी नौजवान सभा के भोजपुर जिला के संयोजक साथी शिव प्रकाश रंजन जी और यहाँ उपस्थित तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। और जितने इस कोरोना काल में शहीद हुए हैं उन तमाम शहीद साथियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, यह जो कार्यक्रम है आज के शाम, हर शाम एक एक मौत को अपना मानते हुए और हर एक मौत के इस देश में कोई जिम्मेवार है, एक भी अगर कहीं मौत हुई है पूरे देश के अंदर में एक भी मौत है कोई जिम्मेवार तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर जिम्मेवार है। और यह कार्यक्रम केवल भाकपा माले का नहीं है, यह कार्यक्रम पूरे बिहार की जनता की ओर से, पूरे देश की जनता की ओर से, जो लोग भी अमन पसंद न्यायप्रिय नागरिक हैं उन तमाम लोगों की ओर से यह कार्यक्रम का आज आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। और आप सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से कोरोना की पिछली लहर आई थी उस समय भी देश के तमाम बड़े डॉक्टर ने, एक्सपर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी जो सबसे बड़ी खतरनाक लहर होगी, लेकिन पूरे देश ने देखा कि कोरोना के दूसरी लहर को रोकने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया, कहीं कोई उस पर होमवर्क नहीं किया गया, बल्कि इसके नाम पर जो पहला लहर आया था कोरोना का, कोरोना को रोकने के लिए पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए और तमाम विधायकों का, तमाम एमपी का 50-50 लाख रुपया उनका फंड कट कर लिया गया कि कोरोना में हम इसको व्यवस्था करेंगे, कोरोना को रोकने का काम करेंगे, कोरोना रोकथाम के लिए किया गया, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना रोकने के कहीं कोई उपाय नहीं किए, बल्कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का फोकस और केंद्र की सरकार का फोकस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो हमेशा जो फोकस रहा वो सीधे बंगाल चुनाव रहा। और किसी तरह में कोरोना के दम लहर में, कोरोना महामारी में बंगाल चुनाव कराया गया, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव कराया गया जहां बंगाल में भयानक स्थिति बनी कोरोना काल के बीच में। और केवल महज भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा नाटक किया देश में, महज बंगाल में 77 सीट जीतने के लिए विधानसभा में ये पूरे देश को इन्होंने कोरोना के दूसरी लहर में, महामारी में झोंकने का। इस श्रद्धांजलि सभा में भाकपा माले कार्यकर्ता, केंद्रीय कमेटी सदस्य और जिला सचिव जवाहरलाल सिंह, केंद्रीय कमेटी सदस्य राजू यादव, राजनाथ राम, आयशा राज्य समीर कुमार, नगर सचिव दिलराज प्रीतम, इनौस जिला संयोजक शिव प्रकाश रंजन, नगर कमेटी सदस्य हरिनाथ राम, चंदन कुमार, रंजन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, राजद नेता कमलेश यादव, बीरबल प्रसाद, हरि नारायण कुमार, सुशील यादव, गीता देवी, पूजा कुमारी, प्रीति कुमारी, सुमन कुमारी, आमोद कुमार, अमन कुमार, अमर सुशील कुमार। इस कार्यक्रम में कोविड महामारी के दौरान मृतक रामदयाल राम, रिकेवा देवी के परिजन सन्नी राकेश रंजन, तुलसी राम के परिजन सुमित कुमार, योगेश कुमार, किरणजीत सिंह के परिजन मार्केंडे कुमार, शक्ति सिंह शामिल हुए।